ये ब्रेवरी अवार्ड देने से हमारे सारे जवानों का प्रोत्साहन हमेशा बढ़ने ही वाला है। ये कॉल के बारे में मैं थोड़ा आपको जानकारी देना चाहता हूँ। ये संडे के दिन 18 तारीख को हमें कॉल 5:30 बजे आई थी। बहुत जन वहाँ पे फंसे हुए, जैसे ही हमें कॉल आया तो हमारी गाड़ी, दो गाड़ियाँ टर्नआउट यहाँ से हो गई। हमारे जो फर्स्ट टर्नआउट ऑफिसर थे मिस्टर दिलीप पाटिल, वो जाने के बाद उन्होंने मुझे कॉल किया कि यहाँ पे बहुत सारे विजिटर्स आ गए हैं, वहाँ पे वाटर लेवल इंक्रीज हो गया है तो वो क्रॉस नहीं कर सकते। तो इमिडिएटली मैं भी टर्नआउट हुआ, फिर वहाँ पे जाने के बाद हम लोग ने देखा वाटर लेवल इंक्रीज होने से करीब 120-125 लोग हमें वहाँ पे फंसे हुए थे। तो हमारे पास वो टाइम पे एक लैडर अवेलेबल थी, हमारे पास वहाँ पे ब्रिज करने के लिए और दूसरा कोई इक्विपमेंट नहीं। तो हम लोग ने वहाँ पे जो लैडर हम लोग सीधी लगाते हैं, वही लैडर हम लोग ने हॉरिजॉन्टल लगा के और उसको एक बार रोप लगा के उनको हम लोग ने एक एक जन को रेस्क्यू किया। रेस्क्यू करने के टाइम हम लोग ने उनकी सेफ्टी भी बहुत देखी, अपने बहुत सारे क्लिप्स भी देखे रहेंगे। मेरे जवान वहाँ पे जो चैनल था वहाँ एक साइड में थे और दूसरे साइड में दोनों जवान वो रोप को पकड़ के खड़े थे कि उनको हम लोग सेफली हम लोग बाहर निकाल सकें। उस तरीके से हम लोग ने उनको सारे जन को रेस्क्यू करने के बाद एक बार हम लोग ने फिर से क्रॉस चेक किया कि कोई वहाँ पे और है या नहीं है। मेरी टीम ने जाके पूरे ऊपर या सब करीब सब जगह पे जाके देखने के बाद हम लोग रिटर्न होती है। तो ऐसा लग रहा है आपको कि सरकार और कुछ पहल करनी चाहिए आप लोगों के लिए सुविधाओं के लिए? हाँ, और इक्विपमेंट हमें चाहिए ज़्यादा। ऑलरेडी अभी हमारे पास एक लैडर आ गई है, वो इम्पोर्टेंट लैडर है, वो 70 मीटर तक, मतलब ऑलमोस्ट 16 फ्लोर तक चली जा सकती है। अगर हाई राइज बिल्डिंग में अगर कुछ होता है तो एक्सटर्नल फायर फाइटिंग हम लोग अप टू 70 मीटर तक अभी कर सकते हैं। वो मार्केट में अभी अवेलेबल है, 90 मीटर 100 मीटर अवेलेबल है। उसके अलावा हमें और कुछ इक्विपमेंट चाहिए, वो हम लोग ने ऑलरेडी प्रोसेस में चल रहा है। बहुत सारे इक्विपमेंट आ गए, जैसे आपके पीछे ही देख सकते हैं, अभी तक उसको अनपैक भी नहीं किया हम लोग, बहुत सारे इक्विपमेंट आ गए। तो हमारा यह ऐसा से डेवलपमेंट हो रहा है फायर डिपेंट का। और इसलिए मैं कॉन्फिडेंटली कह सकता हूँ कि खारघर के सारे वासी या नई मुंबई के सारे सिटीजन सेफ हैंड में हैं।